स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर हमने बनाया है। इस तरह से कि एक इनइक्वालिटी है हमारे पास, एक इनइक्वेन है 3x प्लस 5 जो कि लेस है 17 से। मैंने x की वो वैल्यूज तलाश करनी है जो कि लिखने से, यहाँ पर लिखने से जो इसकी लेफ्ट साइड है मतलब ये जो आंसर बनेगा वो 17 से लेस है, तो ये वो जवाब मेरा दुरुस्त कहलाएगा। मतलब उसको मैं एक सेट में लिखूंगा जिसकी ये डेफिनेशन है, जिसकी ये डेफिनेशन है, और वो सेट क्या फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट ये बात हमने देखनी है। मतलब एक दफा हम एक्स को बिलोंग करेंगे रियल नंबर से और एक दफा बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें हमारे पास है जी 3x प्लस 5 जो कि लेस है 17 से। अब इसका मतलब कांस्टेंट सबसे पहले सेपरेट किए जाते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आपने सॉल्व करना हो तो। नेगेटिव 5 और नेगेटिव 5 आप दोनों तरफ ऐड करते हो, ठीक है। यहां पर नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5 का एडिटिव इनवर्स है, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, जो कि 3x में ऐड हो तो वापस 3x आ जाएगा। जबकि 17 में से 5 माइनस करें तो ये आता है जी 12 आता है, ठीक है। अब देखिए x को फाइंड करना है, इसका कोफिशियंट 3 है। अगर 3x 12 से लेस है तो फिर 1x किससे लेस होगा जी 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 से अगर आप डिवाइड करें, यहाँ भी 3 से डिवाइड करें तो आपको 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 4 12, ठीक है। तो एक्स इज लेस देन 4 आ जाएगा। मतलब आप देखें, अब जब मैं एक सोल्यूशन सेट बनाऊंगा, मैं इधर सोल्यूशन सेट बनाऊंगा, मैं कहूंगा अगर अगर एक्स मेरा जो है रियल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है, तो जो मेरा सोल्यूशन सेट बनेगा मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो कि मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, ठीक है, या इसको ट्रू शो करती हैं, वो कितनी आएंगी, वो 4 से लेस आएंगी रियल नंबर से। रियल नंबर से बहुत बड़ा सेट है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर है तो इनफाइनाइट है, लातादाद है, गिन नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसका जो सेट बनेगा उसको फिर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा कि एक्स मतलब सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर्स या ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 4, ठीक है जी, एक्स इज लेस देन 4। तो ये मेरा जो सेट बना ये क्या बना जी, इनफाइनाइट सेट बना, इनफाइनाइट सेट बना। और अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, मतलब मैं इसके एलिमेंट्स गिन नहीं सकता कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा मेंबर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन सेट नंबर, इसको मैं 1 कह देता हूँ, और अगर मैं कहता हूँ अगर अगर जो है मेरा जो सेट है वो मतलब एक्स बिलोंग कर रहा होता नेचुरल नंबर से, तो जो सॉल्यूशन सेट बनता वो क्या बनता जी, उसके अंदर मतलब सेट 2 मैंने कहा इसको, ठीक है। तो उस केस में वो नंबर जो कि नेचुरल नंबर हों और 4 से छोटे हों, 4 से छोटे हों, वो कौन से हैं, 1 है, ठीक है, 2 है और 3 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लिखें, 3 1 टाइम 3 3 मतलब 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 8 8 17 से लेस है ट्रू। 2 लिखेंगे, 6 प्लस 5 11 लेस देन 17 से ट्रू। अगर आप 3 लिखते हैं, 9 प्लस 5 14 14 जो है वो 17 से लेस है। लेकिन अगर आप 4 लिखते हैं तो 4 3 टाइम बनता है 12 12 प्लस 5 17 17 17 से लेस नहीं होता, इसका मतलब गलत हो जाएगा, 5 से भी गलत हो जाएगा, 6 से भी, तो वो फिर इस सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट है बात। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास सेट्स बनते हैं, जो जो हमारे जितने भी अलजबरा के प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली एक सेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब उनको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर फाइनली हम उस सेट को समझ सकते हैं कि जिसकी ऊपर डेफिनेशन जो है वो क्वेश्चन के थ्रू या इनइक्वालिटी के थ्रू या इक्वालिटी के थ्रू लिखी गई होती है, जो कि फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये सेट जो हमारा था सेट 2, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद 3 है या गिन सकते हैं हम, ठीक है जी।